ये कैंप फायर हमने लगाया है। हमको क्या कहते हैं, सबको मिलजुल के रहना है। चार पार्ट चार 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 अभी भी ठीक है चार ठीक है। देखो यार तुम लोग ना मेरी बात को ना सीरियस मत लेते हो। फिर बात कर रहे हो तुम यार। ये काल दीपक ऐसे बात मत करो यार। देखो अभी भी देखो चार पार्ट है ठीक है। अभी भी है वो चार पार्ट है ठीक है। पहला जो वांडेड एनिमल होते हैं उनकी वो करना है, ब्लड डोनेट मतलब सेवा करनी है उनको रेस्क्यू करना है। ये मामा श्री की मिमिक्री हो रही है अभी। हाँ क्या समस्या आपको बुढ़ा दी। मामा अरे मोटा मुझे जाना होगा, पता है रक्त सेवा का बहुत ज्यादा काम है मामी। ये ऐसी करता है रक्त सेवा की पीछे लग गई जिंदगी सवार हाय घर पे। अरे हमारे रचित सक्सेना का फेवरेट आपकी बस कितना प्यारा भी पहले पे वाइब्रेट हो रहा था। तो फाइनली गाइस हमारा डिनर हो रहा है आज का सेकंड डे का, और आप देख सकते हैं हमारे पूरे सब साथ ही बैठ चुके हैं। कड़ो बैठे बर्थडे बॉय सबसे पहले खाने में आए हैं। डिनर डिनर देख सकते हैं। देखिए मामा जी अभी ताना दे रहे, कोई बात नहीं हम लेकिन ब्लॉग बनाएंगे। बर्थडे बॉय ने फुल एंजॉय किया है जो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। फुल एंजॉय और आप देख सकते हैं क्या लजीज खाना आ रहा है। हरी सब्जी और दाल वगैरह है भैया सर्व कर रहे हैं। मतलब भैया ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज में कि हमारी हरकतें झेली हैं। मामा जी कल के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि हमें वापस जाना है तो हमें क्या करना है। कल हम गाइस आप देख सकते हैं अभी कितना मतलब टेम्परेचर कितना माइनस में चला गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियों के ऊपर तक पूरी आइस जम चुकी है। आपको अगर मैं इसका ऊपर का बेस दिखाऊं जो टॉप है ये देखिए पूरा बर्फ एरिया, ये देखिए इसके शीशे से लेके पूरे नीचे तक पूरा बर्फ जम चुका है। अगर मैं अपने गाड़ियों की बात करता हूँ ये देख सकते हैं मेरी जाली वाली सीट है, उसके बावजूद भी इसको देख सकते हैं आप कैसा हो रखा है। इतना ठंडा है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है 4 से 5 डिग्री, -4 से 5 डिग्री। देखिए आप सीट देखिए, ये देखिए आपको दिखाऊं ये सब हमारी। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना मतलब इतना रात को बर्फ भी गिरी थी, अभी तो पिघलना शुरू हो चुकी है क्योंकि टेम्परेचर अभी 5 डिग्री तक चला गया। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी आपको मैं बताऊँ तो रात को इतना टेम्परेचर गिरा था कि सबके ऊपर पूरी बर्फ गिरी थी। और अगर मैं अपनी गाड़ियों का हाल दिखाऊं तो अभी तो मामा जी ने साफ कर दी है लगभग, बट बहुत औसम भी है, बहुत औसम। आज तारीख 28, हम निकले थे 26 को, तो आज हमारी वापसी है। हम अभी लंच वगैरह करेंगे और हम अभी बिरती फॉल का शायद से प्लान कैंसिल कर रहे हैं, तो देखते हैं लेट्स सी गाइस क्या होता है, क्योंकि हमारे एक दो साथियों की तबीयत भी ख़राब हो रही है क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं भी लिखा था तो सब लग रहा है पता है गाइस। यहीं पर हमने रात को कैंप फायर किया था, वो ये एरिया है जो जाड़ दिया हमने पूरा। और ये हमारी धन सिंह की गाड़ी जिस पर हमने बहुत इंजॉय किया। तो गाइस अभी मैं आपको रास्ते के कुछ ट्रैक्स दिखाऊंगा। सामने पंचाचुली अभी क्लियर दिख रहा है, अगर हल्का सा आप देख सकते हैं मेरे पीछे को। तो गाइस अभी यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है मेरे साथ, मेरी बाइक की चाबी खो चुकी है। मैं आपको प्रोनाउंस नहीं कर सकता कि मैं अभी कितना अपसेट लग रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए करके। मैंने लगभग रिजॉर्ट का पूरा एरिया छान दिया। Will you please help me? देखते हैं मिलती है नहीं तो गाड़ी का लॉक वगैरह और चाबी वगैरह बनवानी पड़ेगी, लॉक तोड़ना पड़ेगा।
लेट्स सी देखिए क्या होता है। गाइस मेरी गाड़ी की चाबी गिरी हुई है, कैसे चिल आउट कर रहे हैं देखिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए साले कैसे आराम से सब मेरा ही ब्लॉग बनाने में लगेगी भाई, इसके साथ स्ट्रेटजी होगी और चाबी खोल बट मिली नहीं चाबी, ढूंढ रहे सबको, सब एक घंटा हो जाता मैं आपको ढूंढते। We'll be right back.